ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो रॉयल रंबल पेपरी हो चुका है खत्म, और जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे काफी सारे सरप्राइज एंट्रेंट, लेकिन हमें ऐसा ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं। और एक और सुपरस्टार था जिसका नाम था रोमन रेंस, उनको भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो किसी तरह से अपेयर हो सकते रॉयल रंबल में, लेकिन हमने ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं देखा। लेकिन क्या रोमन रेंस से बैक से आज के इस एपिसोड में इस बारे में बात करने वाले हैं। साथ साथ उनकी हेल्थ को लेकर, उनके रिटर्न को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे एक स्ट्रीक के बारे में जो कि टूट गई रॉयल रंबल में, और सेथ रॉलिंस के रॉयल रंबल मैच में एक बड़े रिकॉर्ड के बारे में भी। तो एक वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक स्ट्रीक से जो कि टूट चुकी है रॉयल रंबल में, और ये वाली जो स्ट्रीक टूटी थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के ब्रॉक लेसनर वर्सेस फिन बैलर के मैच में, और यहाँ पर जो स्ट्रीक टूटी वो थी फिन बैलर की, क्योंकि फिन बैलर WWE के पेपरव्यूज में जब भी उन्होंने सिंगल्स मैच लड़ा वो आज तक नहीं आ रहे थे, लेकिन रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर के सामने जब वो उतरे और जब मैच खत्म हुआ तो ये पहली बार ऐसा मौका था कि फिन बैलर WWE के पेपरव्यू में किसी सिंगल्स मैच में हारे, और कहना होगा जो अनडिफीटेड स्ट्रीक थी फिन बैलर की वो फाइनली रॉयल रंबल 2019 में ब्रॉक लेसनर के सामने आकर टूट गई। तो मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी नहीं मिली फिन बैलर को, और साथ साथ उन्हें अपनी एक बड़ी स्ट्रीक से भी हाथ धोना पड़ा। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि जुड़ी है सेथ रॉलिंस से। तो रॉयल रंबल में मेंस रॉयल रंबल में हमने देखा कि सेथ रॉलिंस ने कारनामा तो किया ही किया, साथ साथ एक जो चीज़ आपने मिस करी होगी और आई एम श्योर आप लोग नहीं जानते हो इस बारे में, और वो ये कि सेथ रॉलिंस बने रॉयल रंबल के आयरन मैन। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो टाइम बिताया रॉयल रंबल मैच में वो सुपरस्टार सेथ रॉलिंस ही थे, और यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस ने टाइम बिताया वो था 43 मिनट के आसपास। हालांकि यहाँ पर एक स्पॉट ये भी था जहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक जो सेथ रॉलिंस थे वो बॉबी लेसली के अटैक के बाद मैच में नहीं थे, लेकिन फिर भी आयरन मैन तो आयरन मैन ही होता है। और सेथ रॉलिंस 10वें नंबर पर एंटर करने के बावजूद भी उन्होंने बाकी सभी 29 सुपरस्टार को पीछे छोड़ दिया, और सबसे ज़्यादा 43 मिनट का समय उन्होंने मेंस रॉयल रंबल मैच में बिताया, और अंत में जाकर ब्रॉन स्ट्रोमन को एलिमिनेट करके वो मेंस रॉयल रंबल मैच को जीत भी गए। अब बढ़ते हमारे मेन एंड फाइनल अपडेट के ऊपर जो कि जुड़ी है रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस को लेकर काफ़ी सारी अपडेट्स थी कि वो रॉयल रंबल में आ सकते हैं, उनकी अपीयरेंस हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बात यहाँ पर ये भी सामने आ रही थी कि हो सकता है जस्ट रोमन रेंस बैक स्टेज मिलने आ जाए सुपरस्टार्स के साथ, क्योंकि रॉयल रंबल ऐसा मौका होगा जहाँ पर काफ़ी सारे सुपरस्टार एक साथ इकट्ठे होंगे, तो इस तरह से रोमन रेंस के आने का भी वहाँ पर चांस है। लेकिन आपको बता दूँ अभी भी यहाँ पर कोई ऐसी अपडेट नहीं है रोमन रेंस को लेकर कि वो पहुंचे थे बैक स्टेज, तो ऐसे में रोमन रेंस बैक स्टेज भी नहीं थे और ना ही वो हमें देखने को मिले रॉयल रंबल में। लेकिन जो अपडेट आई है रोमन रेंस को लेकर, और जो कि मैं कहूँगा रोमन रेंस के फैंस के लिए पूरे WWE यूनिवर्स के लिए काफ़ी खुश कर देने वाली है, और यह आई है डेव मेल्ज़र की तरफ से, जहाँ डेव मेल्ज़र ने डिस्कस किया रोमन रेंस के रिटर्न को उनकी हेल्थ को लेकर, और उन्होंने कहा कि क्योंकि रोमन रेंस फिल्म की शूटिंग करें तो इसके चलते जो रोमन रेंस का ल्यूकेमिया वाला कैंसर है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, और उन्होंने कहा ये ऐसा कैंसर तो बिल्कुल भी नहीं है जिसके चलते मौत का खतरा हो, मतलब कि कोई डेंजर में हो रोमन रेंस। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर रोमन रेंस के साथ ऐसा वाला कैंसर है मतलब वो ज़्यादा डीप में नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उनके कैंसर के साथ, तो रोमन रेंस की जो रिकवरी है वो भी बहुत जल्दी होगी, ऐसा कहना था डेव मेल्ज़र का। और उन्होंने ये कहा कि वो जैसा हमने सोचा है उससे पहले ही WWE के रिंग में अपनी वापसी कर लेंगे, क्योंकि कैंसर खतरनाक वाला नहीं है और यहाँ पर मौत का या फिर किसी भी तरह के डेंजर का रोमन रेंस को कोई भी खतरा नहीं है। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि कैंसर होने के बावजूद भी रोमन रेंस ऐसे स्टफ कर पा रहे हैं जो कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके चलते हमें यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा हिंट मिलता है कि बहुत जल्दी रोमन रेंस कर सकते अपनी वापसी, और शायद जो हम लोग सोच रहे थे उनका जो रिटर्न का टाइम है वो काफ़ी सालों का हो सकता है वो शायद थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, और हमें बहुत जल्दी रोमन रेंस अपने रिंग में वापसी करते हुए दिखाई दे जाए। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं सेथ रॉलिंस के रॉयल रंबल को जीतने को लेकर, फिन बैलर की स्ट्रीक टूटने को लेकर, और रोमन रेंस के रिटर्न के अपडेट को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।